सो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है तो so, देखो बाय डेफिनेशन द परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय आइटम्स इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन ठीक है अब इस एफिशिएंसी को दो टर्म में डिफाइन करेंगे अपन एक होगा फ्रैक्शन में एक होगा परसेंटेज में तो नाम ही से पता पड़ रहा है अपन को कैसे निकालना है तो अगर फ्रैक्शन करना है तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल ऑक्युपाइड बाई एटम्स एटम्स ने कितना ऑक्युपाई कर रखा है क्रिस्टल के अंदर वॉल्यूम डिवाइडेड कर दो टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल समझ में आ रहा है दैट्स इट वो फ्रैक्शन दे देगा दे अपन को समझ में आ रहा है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रखा है एटम्स ने डैक्सर ये फ्रैक्शन हो गया अब अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे इसमें इंटू तो हंड्रेड कर देंगे तो पर हंड्रेड यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा समझ में आ रहा है सो पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लिया अब अगर वो पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है इन परसेंटेज कैसे निकालोगे सिंपल है सेम पैकिंग फ्रैक्शन इन टू हंड्रेड कर दो ये देखो मैं इंटू हंड्रेड कर दिया इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर समझ में आ गया है तो भाई कितना स्पेस एटम ने ऑक्यूपाई कर रखा है डिवाइडेड बाई कितना टोटल वॉल्यूम है वो फ्रैक्शन दे देगा इन टू हंड्रेड कर देंगे परसेंटेज आ जाएगा दैट्स इट समझ में आ रहा है सो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए क्रिस्टल इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए यूनिट सेल अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां बोली है। ये क्यों बोला है क्योंकि मैंने लिख तो दिया है डेफिनेशन वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल ऑक्यूपाइड बाई एटम्स इसका आसान तरीका क्या है अपन कैसे करेंगे हम फोकस करेंगे यूनिट सेल पे। भाई जो फ्रैक्शन एटम्स यूनिट सेल में हैं वही पूरे क्रिस्टल में होंगे ना क्यों होंगे क्रिस्टल इज ए रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल यूनिट सेल यूनिट सेल यूनिट सेल से क्रिस्टल बनता है तो जो फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन एटम्स का यूनिट सेल में होगा वही पूरे क्रिस्टल में होगा तो अपन क्या करेंगे यहां वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल ऑक्यूपाइड बाई द एटम्स ये पूरा क्रिस्टल के लिए किया है अपन यूनिट सेल में कर देंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई द एटम्स इन यूनिट सेल देख लिखेंगे फॉर्मूला अपन वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ये फॉर्मुला याद नहीं करना चाहिए सिंपल सा है भाई कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर रखा है कितना कर रखा है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है वो फ्रैक्शन आ गया जब यूनिट सेल की बात करेंगे तो यूनिट सेल में देखेंगे समझ में आ रहा है फिर भी फॉर्मूला ये है बट बेटर है समझो मैं क्या बोल रहा हूं ठीक है इन टू हंड्रेड कर देंगे तो क्या आएगा पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज अब देखते हैं वाइट फ्रैक्शन क्या होता है ये तो हो गया पैकिंग फ्रैक्शन फिर एक वाइड फ्रैक्शन होता है नाम तो समझ में आ रहा होगा तो वाइट फ्रैक्शन क्या होगा देखो वाइट फ्रैक्शन द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस दैट इज एम टी या अनऑक्युपाइड बाई एटम्स इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड वाइट फ्रैक्शन मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ स्पेस भरा था उसको अपन ने पैकिंग एफिशियंसी बोला था तो जो फ्रैक्शन ऑफ स्पेस खाली होगा उसको अपन वाइट फ्रैक्शन बोलेंगे बहुत सिंपल है समझ में आ रहा है सो so, अगर अपन को निकालना है वाइट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे भाई द एम टी स्पेस इन क्रिस्टल या वॉल्यूम अनऑक्युपाइड बाई एटम्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल्स और अपने क्रिस्टल्स के लिए नहीं करेंगे क्या करेंगे यूनिट सेल के लिए और वही पूरे क्रिस्टल का हो जाएगा या आप वाइट फ्रैक्शन ऐसे निकाल सकते हैं भाई वन माइनस पैकिंग फ्रैक्शन समझ में आ रहा है देखो पैकिंग फ्रैक्शन प्लस वाइट फ्रैक्शन वन होना चाहिए ना जो फ्रैक्शन खाली है प्लस जो फ्रैक्शन भरा है शुड बी इक्वल टू टोटल वन इज दिस क्लियर या तो खाली होगा या भरा होगा अगर खाली प्लस भरा बोलें तो टोटल आएगा कि नहीं आएगा सो वाइट फ्रैक्शन अगर निकालना है तो वन माइनस पैकिंग फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं सो वाइट फ्रैक्शन ऑफ ए क्रिस्टल इज़ इक्वल टू वाइट फ्रैक्शन ऑफ ए यूनिट सेल जो अपने देखा था कि अपन यूनिट सेल का निकालेंगे वाइट फ्रैक्शन वही पूरे क्रिस्टल का वाइट फ्रैक्शन बोल देंगे तो यहां तक समझ में आ गया पैकिंग फ्रैक्शन एंड वाइट फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन मतलब वो फ्रैक्शन जो भरा है आइटम से वाइट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जो खाली है और टोटल वाइट फ्रैक्शन प्लस पैकिंग फ्रैक्शन कितना होना चाहिए वन